जय हिंद दोस्तों, मैं मिंटू कुमार। आज आप लोग से बात करेंगे बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट कब आएगा? इसके पहले हमने एक वीडियो चढ़ाया था जिसमें आप ही लोग जैसे होंगे कुछ, जिनका कमेंट एक प्रसंग टाइप पे दिए थे कि सीएसबीसी के चेयरमैन बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। मैंने बोला था अप्रैल माह में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उनका वीडियो चला था, वो पीटी का था, सारे पीटी ले लिए जाए अप्रैल माह में, ऐसा उनका था, ना ही कि रिजल्ट के बारे में था। चलिए कोई बात नहीं, आपका जितना समझ था आपने उतना कमेंट किया। आज आपसे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका रिजल्ट आने में अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि अब जो 11,880 बच्चों का जो मेरिट लिस्ट बना है वो अभी ट्रेनिंग पे है, उनका फायरिंग चल रहा है। एक मिनट, उनका अभी फायरिंग चल रहा है, तो फायरिंग खत्म होते ही उनका कसम परेड हो जाएगा, मॉक ड्रिल हो जाएगा और वह अपने अपने जिले में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा जाने के लिए। चलिए, ये सब तो फालतू की बात है, टाइम खींचने से कोई फर्क है। रही बात रिजल्ट के लिए, तो जो मैंने जो कटअप बताया था वो आपका एक्यूरेट वही क्या है। अभी फोन जा रहे हैं बच्चों के पास, कॉल जा रहे हैं, स्कूटनी में नहीं है, कुछ पेपर छूट गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है क्रिमिनल एयर को लेकर के और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर, उनके पास ज्यादा कॉल गया है। तो आप चिंता करने कोई बात नहीं है, ऐसी वो आपसे ले करके उसको रख ले कि नहीं, फोटो में थोड़ा सा धुंधलापन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रह गई आपका जो कटअप में बनाया था वही डीओ भी बताया था उसमें वही है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का फोन है, कॉल आता भैया हमारा 76 डेट ऑफ बर्थ ये है, इसमें कोई टेंशन ना है। देखिए, आपको एक बार और क्लियर करवा देते हैं, जनरल कैटेगरी पहले देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए 1995, 1996, 1997, 98, 99, 2000, 2001 और 2002, ये आपका है डेट ऑफ बर्थ जनरल में है। इसमें सभी कैटेगरी से बच्चा बच्ची सब है, लड़का लड़की सब है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, एफएफडब्ल्यू है, चाहे महिला है, फीमेल समझिए, ये हैं। इनका रिजल्ट 74 से एक्स वाई जेड, यहाँ 86 74 से जितना ऊपर है इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका बन गया मेरिट आना 100% है। और आप किसी के फोन कॉल पे मत जाइए कि आपका मार्क्स कम है, 74 है, आपका मेरिट नहीं बनेगा, तो उसके विश्वास मत जाइए। ये देख लीजिए आपका 74 है, 74 से 86 तक लाए हैं, 74 लास्ट गया, 86, इन सब का जॉब पक्का है जनरल कैटेगरी, ये सभी जो 74 से प्लस मार्क्स लाए हैं, 76 हो 86 हो, इनका कंफर्म है, इतना जान लीजिए। आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन से बाहर रहिए। उसके बाद आइए, अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 95, 96, 97, 98 और 99। अगर ये 68 प्लस है, इनका 68 तक है, 68 तक लग दिया ये डेट ऑफ बर्थ, इनका मेरिट बन गया है।
डेट ऑफ बर्थ तक, और जो 68 पर टिके हैं उनका मतलब कि बन सकता है नहीं भी। 2000, 2001, 2002, ये अगर ये डेट ऑफ बर्थ 68 तक लाए हैं, इनमें कंफ्यूजन है। ये डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, बाद में कमेंट मत करिएगा। इसके बाद आपका कौन सा है, एससी, यही डेट ऑफ बर्थ से महिला का है उनका कट ऑफ, ये मेल का है, फीमेल का है 66 है, फीमेल का 66 डेट ऑफ बर्थ। ये वो नेक्स्ट की तैयारी करें उनमें थोड़ा सा दिक्कत है, और जनरल 74 और फीमेल भी 74, दोनों सेम है मेल और फीमेल। इसके बाद आ जाइए एससी कैटेगरी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम 95, 96, 97, 98 और 99 है एससी का, और एससी का 95, इनका कट ऑफ 66 है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 95, 96, 97, 98 और ये कट ऑफ ला दी 66 तक पहुंच गए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ। और जिनका वही 2000, 2001, 2002 इनका कंफ्यूजन में है, ये जान लीजिए 2000, 2001, 2002, लेकिन इनका 68 के प्लस अगर ये भी ला दिए हैं 66 के प्लस 2000, इनका जॉब हो गया, जो 66 लाए ये डेट ऑफ बर्थ उनका कंफ्यूजन में है, और जो 95, 96, 97, 98, 99 ला दिए 66 नंबर तक उनका 100%, और महिला का 62, ये फीमेल का है। इसके बाद एसटी का छूट गया है जी, एक मिनट लाइन पर, एसटी का छूट गया अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, एसटी का छूट गया था, वही लेने गए थे। देखिए एसटी का सेम यही डेट ऑफ बर्थ 95, 96, 97, 98, 99 और आप ला दिए हैं 68, ये डेट ऑफ बर्थ 95, 96, 97 उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, और महिला 64 एसटी में। अगर आप ये आ रहा है, और जिनका 68 नंबर डेट ऑफ बर्थ 2000, 2001 और 2002 है, वो आप कंफ्यूजन में है होगा कि नहीं, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ वाले 68 नंबर ला दिए हैं, 95, 96, 97 इनका हो गया है। अब आगे बात करते हैं, कैमरा से बाहर हम होते हैं। इसके बाद किसका है, ईबीसी का है, ईबीसी, चलिए हम कैमरा से बाहर है कोई दिक्कत ना है, आप देखते रहिए। ईबीसी का वही डेट ऑफ बर्थ 1995, 96 और इनका गया है ईबीसी वही है, और फीमेल का 64, और ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 2000, 2001, 2002। आप ईबीसी से है, 68 नंबर है आपका, और डेट ऑफ बर्थ ये है 95, 96, 97, 98, 99 और 2000, आप निश्चिंत रहिए हो गया। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000, 2001, 2002 है और 68 नंबर लाए हैं, ये कंफ्यूजन में रहे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन इनका पक्का है। और वही 64 नंबर महिला में, ये डेट ऑफ बर्थ है आपका पक्का है, और डेट ऑफ बर्थ ये है 2002, 2001, 64 नंबर है नहीं है, तो हाल का आप
कंफ्यूजन में रहिए। इसके बाद आपका कहीं आइए बीसी, बीसी कैंडिडेट सेम यही डेट ऑफ बर्थ है जिनका हो गया है मेरिट लिस्ट में नाम है। ये बीसी कैटेगरी 72, इनके नीचे वाले हैं 72 वाले, वो आप भर में रहिएगा। जो हम ये वीडियो नहीं चला रहे हैं आपके पास, ये कट ऑफ समझ रहे हैं ना, व्यू देने के लिए नहीं है। चलिए बीसी का आपका 72, महिला 68, और इनका देख लीजिए यही सिर्फ है 2000, 2001 और 2002, ये कैटेगरी में है। अगर बीसी कैटेगरी में आपका डेट ऑफ बर्थ 2000, 2001 और 2002 है तो आप कंफ्यूजन में रहिए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन जिनका 72 नंबर है, 95, 96, 97, 98, 99 है, वो 100% अपना सिक्योर ही आपका हो रहा है। वही फ्रीडम फाइटर और गोरखा 54, महिला 42। एक चीज का मैंने कभी कटअप नहीं बताया है, पिछड़ा वर्ग की महिला का, तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का कटअप आप लिख देते हैं सीधा। पिछड़ा वर्ग की महिला अगर आप 64 ला दी हैं, कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो 64 नंबर है तो आप सिक्योर रहिए, आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला है। अब रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट कब आने वाला है, लिख देते हैं मई, क्योंकि 11880 का जो था उसका 12 मार्च को पीटी खत्म हुआ था और 12 अप्रैल को रिजल्ट दिया था, यानी कि 8 मई को आपका एक महीना पूरा हो जा रहा है, उसमें 4 दिन ऐड कर लीजिए एक्स्ट्रा आ जाए, 12 मई तक आपका रिजल्ट आने का 99% संभावना है, क्योंकि इनका फायरिंग 12 मई को समाप्त हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और रिजल्ट आपका ये बता दिए सबसे पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि हमें कॉपी करने की आदत नहीं है। चलिए